नमस्कार मेरे प्रिय छात्र और छात्राएं, पिछले वीडियो में हमने विराम चिन्ह की पहचान देखी थी। उसमें हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह की जानकारी देखी थी। आज के वीडियो में हम बाकी चिन्हों की जानकारी देखेंगे। उसमें सबसे पहले देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह। यह चिन्ह इस प्रकार दर्शाते हैं। विस्मयादि बोधक का अर्थ है विस्मय के अलग अलग भावों की जानकारी देने वाला। जिन वाक्यों को पढ़ते या लिखते समय उनमें विस्मय के अलग अलग भाव जैसे कि घृणा, शोक, आश्चर्य, हर्ष आदि का बोध हो, वहां विस्मयादि बोधक शब्दों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि नीचे कुछ उदाहरण है, देखो हाय मैं लूट गया, और दूसरा उदाहरण क्या है, शाबाश तुमने यह बहुत अच्छा किया। इन वाक्यों में हाय और शाबाश इन दोनों शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है। उसके बाद देखो योजक चिन्ह। यह चिन्ह इस प्रकार दर्शाते हैं। योजक का अर्थ है जोड़। योजक का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, जैसे कि माता पिता, भाई बहन इन प्रकार के विलोम अर्थ वाले शब्दों में। उसके बाद अभी अभी, धीरे धीरे इस प्रकार के समान वर्ग के शब्दों में। फूल सी, परी सी इस प्रकार के तुलनात्मक शब्दों में योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। उद्धरण चिन्ह, यह दो प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला देखो इखरे उद्धरण चिन्ह। यह चिन्ह इस प्रकार दर्शाते हैं। व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव को किसी वाक्य के बीच में दर्शाना हो तो इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यह एक उदाहरण देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के महान कवि है। इसमें निराला इस शब्द को इकरे उद्धरण चिन्ह में रखा गया है। उसके बाद देखो दोहरे उद्धरण चिन्ह। व्यक्ति के कथन को जब उसी के शब्दों में लिखना हो तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान। यह एक अलग वाक्य है, इसलिए इस पूरे वाक्य को दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखा गया है। और सबसे अंत में है लाघव चिन्ह। यह चिन्ह इस प्रकार दर्शाते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि देखो पंडित के लिए इस प्रकार, डॉक्टर के लिए इस प्रकार। कुछ उदाहरण देखो, पहला उदाहरण पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। इस वाक्य में पंडित के लिए लाघव चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखो, मेरे पापा का नाम डॉक्टर मनोज शर्मा है। इस वाक्य में डॉक्टर के लिए लाघव चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों, आपको इन विराम चिन्हों की अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है? धन्यवाद।